तो गाइस आपको याद होगा कि मैंने विंजो ऐप को टेस्ट किया था और आपको टेस्ट करके बताया था कि क्या एक्चुअल में आप इससे पैसे कमा सकते हैं या फिर नहीं। और वही एक ऐप अभी तक है जिसमें से हम लोग एक्चुअल में पैसा विड्रॉ कर पाए थे। उसके बाद से उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए थे, आप लोग चाहते थे कि मैं वर्ल्ड वॉर को टेस्ट करूं। मतलब वर्ल्ड वॉर विंजो के अंदर एक गेम है जिसके अंदर और बहुत सारे गेम्स हैं, उसको अगर हम लोग खेलते हैं तो हम लोग उसमें आसानी से पैसा जीत सकते हैं, ऐसा आप लोगों ने मेरे को बताया था। तो आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट किया और मुझे इसके बारे में पता चला कि इसको खेलना कैसे है। खेलना कैसे मैं आपको बताने वाला हूं, बट उससे पहले उसी दिन ना मुझे दो रील्स दिखी इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए। पहली थी कैरी मीना थी जहां पर वो बता रहे थे कि कैसे इसमें आप हार के भी जीत सकते हो, पहला ऐसा ऐप है जहां पर आप हार के भी पैसा जीत सकते हो। फिर मुझे स्काउट की दिखी, वहां पर भी सेम था, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। उसके बाद मैंने थोड़ा और देखा तो पता चला कि यार ये क्यों ऐसा बोल रहे थे। एक्चुअल में गेम कैसा है कि दो टीम्स होती है जिसमें से आपको एक टीम सेलेक्ट करनी होती है। ज्यादातर उसमें जो मैंने टीम्स देखी, थोड़ा बहुत मैंने खेला भी है ताकि मैं आपको बता पाऊं टेस्ट करके, तो उसमें एमएस धोनी की टीम दिख रही थी मेरे को और विराट कोहली की टीम दिख रही थी। तो हमको एक टीम सेलेक्ट करनी होती है, हर टीम में अलग अलग नंबर्स ऑफ प्लेयर्स होते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम होता है हमको उस टाइम तक गेम्स खेलने होते हैं। जैसे कि हम लोग मेट्रो सर्फर खेल रहे हैं, अगर हम लोग 5 मिनट तक मेट्रो सर्फर खेल रहे हैं तो टीम ए ने ज्यादा स्कोर बनाया या फिर टीम बी ने, ऐसा कुछ होता है। और जिसका स्कोर एंड में ज्यादा टाइम अप होने के बाद वो जो गेम है वो जीत जाता है और पैसे जीत जाता है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, अगर मेरे जो बाकी के टीम मेंबर्स हैं वो गेम खेल रहे हैं, हमारा टीम का स्कोर अच्छा होगा तो हम लोग जीत जाएंगे, जैसे कि क्रिकेट में होता है। लेकिन जब हम एडवर्टाइजमेंट देखा था ना वो वाली जहां पे बता रहे थे कि आप हार के भी जीत सकते हो, मैंने सोचा अगर हार के जीत तो सकते हैं लेकिन हम जीत के हार भी तो सकते हैं। आज हम लोग इसको टेस्ट करने वाले कि क्या ये एक्चुअल में काम करता है। और सबसे ज्यादा एक्साइटेड में जिस चीज के लिए, मैंने यूट्यूब में सर्च करना स्टार्ट किया कि इसको खेलते कैसे, तो खेलते कैसे वो वाली वीडियोस तो नहीं थी मेरे को, ज्यादा वैसे भी दिक्कत तो हो नहीं खेलते कैसे, तो मैंने खुद ही खेल के देख लिया था। बट वहां पर ना ट्रिक्स थी कि इस ट्रिक से 90% विन करोगे, इस ट्रिक से आप 10 में से 8 बार जीतोगे, बहुत सारे ट्रिक्स थी। उसके नीचे कॉमेंट्स भी थे और कॉमेंट्स भी मिक्स टाइप के थे, तो वो कॉमेंट्स क्या थे मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले हम लोग जल्दी से ना गेम ओपन करते हैं। विंजो दोबारा से मेरे को इंस्टॉल करनी पड़ी, मतलब मैं हटा देता हूँ, मैं ये सब चीज़ें रखता नहीं हूँ अपने फोन में, बट आज हम लोग वापस से इसको मेरे को इंस्टॉल करना पड़ा। तो ऑलरेडी मेरी आईडी बनी हुई थी, सब कुछ है इसमें, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी मुझसे कॉन्टैक्ट की वो मांग रहा है, एक्सेस क्यों दूँ मैं नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमारी स्क्रीन यहाँ पर रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो चुकी है और 66 मेरे पास यहाँ पे वॉलेट में पैसे हैं, बट ये हमारे बोनस वाले में है तो इसको हम लोग ले नहीं सकते, तो मेरे को कैश ऐड करना पड़ेगा। मैं 100 रुपये ऐड करने वाला हूँ, उस 100 रुपये से हम लोग ट्राई करके देखने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है और अब बारी आती है खेलने की। अगर हम लोग देखें ना, नीचे यहाँ पर वर्ल्ड वॉर का आ रहा है और वर्ल्ड वॉर में जो मैं आपको बता देता हूँ कि बंदे ने मेरे को ट्रिक क्या बताई थी। देखो सॉरी, कैमरा को लात मार देते हुए, तो मैं ना किसी की रिकॉर्डिंग तो यहाँ पर चला नहीं सकता था, मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ कि क्या बता रहा था बंदा। उसने बताया कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको, हम लोग साथ साथ करते भी जाते हैं, आपको फिल्टर्स में जाना है, आपको 2 से 5 और 10 वाले फिल्टर लगाने। उसने बोला था कि आपको जाना है और आपको देखना है कि जब 12 सेकंड रह गए, जैसे कि यहाँ पे इसमें रह गए, हम लोग उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कंफर्म करते हैं और इसमें से एक टीम तब चूज करनी है हमको जैसे यहाँ पे जो ऑटो पिक इन है वो 0 हो जाए, हमको राइट साइड वाली टीम सेलेक्ट करनी है, जो कि मैंने कर लिया। इस बार टीम विराट कोहली आई है और नहीं यार नहीं, मैं पागल हो जाऊंगा अगर इतना आसान है पैसा कमाना। तो यार ये सच में काम कर रहा है क्या? अगर ऐसा है तो मतलब फिर तो बहुत अच्छी बात है, 22 रुपये हमारे पास हो चुके हैं। अब मैं दोबारा से ट्राई करने वाला हूँ, मतलब ये अगर ऐसा है तो सच में बहुत अच्छा है। तो क्या हमको और कम वाला खेलना चाहिए या फिर इसके बाद हम लोग ये वाला खेलते हैं, 5 रुपये वाला खेलते हैं? ठीक है, कन्फर्म कर रहा हूँ मैं और 7 सेकंड बचे हैं, जैसे 0-0 होगा मैं इसके बाद राइट वाला टीम सेलेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, विराट कोहली वाली आ गई, हम हर बार विराट, नहीं 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 नहीं, ये पता नहीं कैसे बट ये सच में सही हो रहा, पहली बार कुछ ऐसा है कि सच में काम कर रहा है। तो थर्ड गेम है, इस बार मैं 10 रुपये का कर रहा हूँ ताकि हम लोग 20 रुपये जीते, कन्फर्म कर लेता हूँ और 7 सेकंड बच रहे हैं, जैसे 0-0 पर आएगा मैं राइट वाली टीम सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, सेलेक्ट, इस बार एमएस धोनी वाली आई। मैं क्या बोलूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा, हम लोग 18 रुपये जीत गए हैं, इस बार मैंने 10 लगाए थे, तो ये लालच कहीं में हमको लास्ट में एंड में पता चला कि सारे जीतने के बाद एंड में हार रहे हैं और एक साथ सारे गायब हो चुके, तो 3 हम लोग जीत चुके, हमारे विनिंग अमाउंट में 48 रुपी आ चुके हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ कि हम लोगों ने 10 लगा दी तो हम लोग 10 वाला ही वापस ट्राई करने वाला ताकि थोड़ा पैसा भी ज्यादा जीत सके, है ना। तो अभी यहाँ पे 29 सेकंड बचे हुए, जैसे ही 12 सेकंड बचेंगे तो उसने बोला था कि एंटर कर जाओ, कन्फर्म करो, उसके बाद अंदर उस तरीके से करना है। अब तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको रिपीट भी हो चुका होगा, तो हम लोग फटाफट से गेम्स कुछ कंप्लीट करते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या चल रहा है यहाँ पे। लगातार हम लोग 4 बार जीत चुके हैं, स्कैम या तुक्का तो नहीं है, हम लोग 59 रुपये जीत चुके हैं लगातार। तो रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं एक बार और 22 सेकंड बच रहे हैं, हम लोग 22 सेकंड बच रहे हैं, हम लोग 10-10 वाले ही खेलते हैं। ठीक है, नहीं इस बार काम नहीं किया, तो 5वां गेम था और हम लोग हार चुके हैं। ठीक है कोई बात नहीं, 5 में से 4 जीत गए, मतलब 90% रेट हो गया विनिंग वाला। अभी हम लोग और खेलते हैं, 10 गेम के बाद क्लियर पता चलेगा कि क्या चल रहा है ना। 0 एंटर कर लिया मैंने विराट कोहली की टीम और 2 गेम लगातार हार चुका हूँ यार, ये मेरे को लग रहा है कि जितना जीते थे ना सारा डूबेंगे हम लोग।
ओके, तो फाइनली एक और गेम हम लोग जीते हैं काफी देर के बाद। मतलब मैं लगातार यहाँ पे कितने हारा हूँ मैं देखता हूँ एक बार कि कितने मैं लगातार हारा हूँ यहाँ पे। अभी हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6 गेम हारने के बाद अभी जीते हम लोग। हम लोगों ने 100 रुपए ऐड करे, उसके बाद पहला गेम हम लोग जीते, सेकंड जीते, थर्ड जीते और फोर्थ भी जीते हम लोग। पांचवा गेम हम लोग हार गए, ठीक है, छठा भी हम लोग हार गए, सातवा भी हम लोग हार गए, आठवां जीते हम लोग। अब दो गेम और हैं, दो गेम और खेलते हैं फटाफट। तो शायद ऐसा ही चलता है या फिर कुछ हम लोग गलत कर रहे हैं, बट जैसा ट्रिक बताया था उस ट्रिक से हम लोग 4 बार तो लगातार जीते। अब देखते हैं कि विनिंग रेशियो क्या है इसका, वो हम लोग देखने वाले हैं। फिलहाल 15 सेकंड, 14, 13, 12 एंटर करो कन्फर्म और 7, 6, 1 एंटर कर जाओ। राइट साइड की टीम विराट कोहली वाली, ठीक है। अभी फिर से हार गए यार, अब क्या कह सकते हैं इसको, 50-50 मान के चल लो, 50% हम लोग जीतने के चांस है, 50 हारने के चांस है, अभी तक ऐसा है। तो वैसे कई सारे गेम्स को खेलने के बाद अभी मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो ट्रिक करके मैं खुश हो रहा था ना स्टार्टिंग में, जब तक कैमरा ऑन था मैं बहुत जीत रहा था, कंटिन्यूअसली जीत रहा था, कैमरा ऑफ किया उसके बाद से असली खेल शुरू हुआ। और मैं मुझे लग रहा था कि यार चलो ठीक है, एक दो बार हो रहा होगा, 10 में से 8 बार तो जीत जाऊंगा। लेकिन मैंने कुछ चीज़ें नोट करी है, पहले मैंने आपको बता दिया था उस टाइम पे ऑलमोस्ट 50-50 वाला कुछ सीन हुआ था कि हम लोग 5 हारे थे 5 जीते थे एवरेज इसको मान के चलते हैं, ठीक है। कैमरा बंद किया मैंने और उसके बाद मैंने खेलना शुरू किया, तो पता क्या हुआ, देखो विन लॉस विन लॉस विन विन 10 गेम में से ये हाल है। तो इसमें से अगर हम लोग काउंट करें 2, 2, 4, 5, 6 बार जीता हूँ और 4 बार हारा हूँ, तब भी ठीक था, कोई इशू नहीं था। उसके बाद सेकंड वाला देखते नीचे, लॉस विन लॉस लॉस विन 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 लॉस लॉस 3, 4, तो इसमें मतलब 50-50 चल रहा था। ऐसा हो रहा कि 10 से ज्यादा वाले गेम में अलग टाइप का गेम आ रहा है और 10 से कम वाले में अलग आ रहा है। 10 से कम वाले में हमको टीम पता नहीं चल रही कि कौन से कितने प्लेयर खेल रहे हैं, 10 से ज्यादा वाले में पता चल पा रहा है। तो हम लोग 10 से ज्यादा वाले खेलेंगे और ट्राई करेंगे कि हम लोग लास्ट के 15-20 सेकंड में एंटर करें और उस टाइम पर बस ये देखें कि अगर विराट कोहली की टीम में ज्यादा प्लेयर है, बहुत ज्यादा है, मतलब रेशियो ज्यादा 50% 60% से ज्यादा है, मतलब सपोज मान लो कि विराट कोहली की टीम में 60 प्लेयर खेल रहे हैं, तो हम लोग विराट कोहली की सेलेक्ट करेंगे क्योंकि एमएस धोनी की टीम में 40 प्लेयर हैं और उन वो लोग उतने जल्दी रिकवर नहीं कर पाएंगे और चांस है वो लोग भी कर लेते हैं कई बार, तो रैंडम हो रहा था, बट हम लोग फिर भी एक बार ये वाला भी ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया। एक तो यार जो लोग बताते हैं ना, जब मैंने उन लोगों की रील भी देखी कि इतने का बोनस मिलेगा, कुछ नहीं है बोनस यार, ये बोनस वाला अमाउंट हम यूज भी नहीं कर पा रहे, इसके बारे में मैं देखूंगा अभी, या आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना। चलो हम लोगों ने अभी मेरे पास वॉलेट में 100 रुपए हैं, ठीक है, और 1 रुपए मेरा विनिंग अमाउंट में। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर रिफ्रेश इसको एक बार कर लेते हैं और फिल्टर में मैं लगा रहा हूँ वही 35-50 वाला, ठीक है। तो अभी सबसे मिनिमम वाला हमारा 20 रुपए और उसके बाद से 50, ये 50 वाला भी चल रहा है 20 सेकंड के बाद, ये तो मैं नहीं खेलना चाह रहा, 50 वाला एकदम झटके में पता चला कि घार गए, एकदम सारा पैसा खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा ना टेस्ट करने के लिए चाहिए, 2-3 गेम तो एटलीस्ट खेलना चाहूंगा। 35 वाला गेम है, आई होप मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही होगा। चलो अभी एंटर कर रहे हैं और यहाँ पर हमको दिखा रहा है, देखो इसमें 118 प्लेयर है, इसमें 79 प्लेयर है, तो हम लोग ना 79 एमएस धोनी वाला कर लेते हैं क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा है, लेकिन ये ऊपर निकल जाता है, निकल भी चुका है देखो, लेकिन अभी 7 सेकंड बाकी है तो कुछ भी हो रहा है, ऊपर नीचे कुछ भी चल रहा है इसमें। तो अभी हमको 65 रुपये हम लोग जीत रहे हैं इसमें, मुझे लग रहा है हो गया जीत गए 65 रुपये हम लोग इसमें जीत चुके हैं। तो कई बार ऐसा हो रहा है कि टाई भी हो, 2 गेम मेरे टाई हुए जिसमें मैंने जितने लगाए थे उतने ही मेरे को वापस मिले। तो अभी इसमें हुआ क्या था, देखो इसमें क्या था कि एमएस धोनी की टीम में ना थोड़े कम प्लेयर थे, विराट कोहली वाली में ज्यादा थे, 115 के अराउंड थे, उतनी जल्दी मैं देख भी नहीं पाया, बट एमएस धोनी वाली में 70-80 के अराउंड थे। मैंने उसको सेलेक्ट किया क्योंकि मैंने एक चीज इसमें नोटिस करी ना, अगर 35 तक का अगर डिफरेंस है तो अगर आप कम वाले सेलेक्ट करोगे ना तो उसके भी चांस जीतने के बराबर ही है। ऐसा नहीं कि मैं विराट कोहली वाला करता जिसमें 120 प्लेयर खेल रहे और एमएस धोनी वाले में 80 है तो एमएस धोनी वाला हार जाता, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसलिए जब बहुत मेजर डिफरेंस है कि अगर एक प्लेयर एक ही टीम में सपोज 100 प्लेयर है और प्लेयर बी की टीम में 20 प्लेयर है, तो आप ऑब्वियसली उस टाइम पे 100 वाला चूज करोगे क्योंकि उतनी जल्दी वो लोग नहीं उसको बीट कर पाएंगे, तो 100 वाला जीतेगा उस टाइम पे, ठीक है। पहला हम लोग जीत चुके हैं, सेकंड हम लोग ट्राई करते हैं। अब जाके मैं एंटर कर रहा हूँ, ठीक है, अब जाके देखते हैं। विराट कोहली में 47 है, एमएस धोनी में 68, तो मैं 47 विराट कोहली वाला कर रहा हूँ, रिस्क भी है रिवॉर्ड भी है, लेकिन देखो अभी विराट कोहली वाला नीचे है लेकिन देखो ऊपर आ गया, तो ये हो रहा है इसमें, ठीक है। अब 4 सेकंड में अगर एमएस धोनी ऊपर गए काम से, तो देखो इसी ट्रिक से हम लोग पिछली बार जीते थे, यानी कि हम लोगों ने कम जिसमें प्लेयर खेल रहे हैं उसमें लगाया था तो हम लोग जीत गए थे, एंड में कवर कर लिया था। इस बार भी वही हुआ, विराट कोहली की टीम में कम प्लेयर थे, हम लोगों ने विराट कोहली की टीम सेलेक्ट करी थी लेकिन ऊपर जाके खेल रहे हैं। और अभी 20 रुपये वाली गेम है यहाँ पे 24, 137, तो इसमें लगा रहा हूँ मैं विराट कोहली वाले में, 50-50 चांस है दोनों में, देखते हैं कि क्या होने वाला। 7 सेकंड बचे हुए हैं, हम लोग अभी नीचे हैं, विराट कोहली की टीम आई होप कि ऊपर जाए और चली गई, देख रहे हो, मतलब 73 और 130, मतलब 30-40 प्लेयर का फर्क था, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जीत गए। अब आपको मैं स्कोर दिखाता हूँ, मेरे पास हैं टोटल 369 रुपी। हाँ, मैं बोनस को लेकर कंफ्यूज था, देखो अभी हम लोगों ने बहुत सारे गेम खेले और हर गेम में ना बोनस भी यूज़ हो रहा, तो मेरे पास 68 के अराउंड बोनस थे जब हम लोगों ने वीडियो स्टार्ट करी थी, ठीक है। अभी जाके
जो 68 का बोनस था वो ऑलमोस्ट 2 रुपए 1.97 रुपए पैसे हो चुका है। तो बोनस हमारा यूज हो जा रहा है जब भी हम लोग खेल रहे हैं, ठीक है। अभी हमारे विनिंग अमाउंट में आ चुका है 370 और मैंने लगाए थे 280, तो ऑलमोस्ट हम लोग 90 रुपए के आसपास जीत चुके हैं। बट मैं आपको एक बार ये भी दिखाता हूँ अपना विनिंग वाला। हम लोग 49 जीते क्योंकि हम लोगों ने 20 लगाए थे, हम लोग 20 में 43 जीते और हम लोग ज्यादा जो फायदा हो रहा है ना कम वाले में ज्यादा हो रहा है, मतलब 20 वाले में अच्छा फायदा हो रहा है, 50 वाले में भी कई बार अच्छा फायदा हो रहा है। हम लोगों ने 50 लगाए 108 हम लोग जीते, मतलब ऑलमोस्ट डबल। और मैं आपको एक 100 वाला दिखाता हूँ। देखो मैंने 100 रुपए लगाए और मैं जीता 139, मतलब 139 ऑलमोस्ट 39 रुपए का हमको प्रॉफिट हुआ। तो इसमें डबल नहीं मिल रहा ज्यादा अमाउंट वाले में, मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप 1000 वाले में लगा लो सिर्फ 2000 मिलेंगे, नहीं, क्योंकि उसमें लोग डर रहे हैं खेलने के लिए, तो उसमें ज्यादा लोग पैसा नहीं लगा रहे। सबसे ज्यादा पैसा 20-50 वाले में लग रहा, 100 वाले में भी कम लग रहा है। उसके बाद मैंने 50 वाला खेला, उसमें 122 जीता। तो ऐसी चीजें चल रही है, आपको बोलता है यार आपने इसको ट्राई कर सकते हो कि कैसा चल रहा है, आपके लिए कैसा काम कर रहा है। बट क्योंकि मैं इतने गेम्स खेल चुका हूं, मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं कि मैं कितने गेम्स खेल चुका हूं। वर्ल्ड वॉर हम लोगों ने खेला 156 गेम, अभी 369 रुपीज में डाल रहा हूँ और 5% कमीशन कटेगा इसमें, जबकि हम खेल रहे तब भी कमीशन कट रहा है, ठीक है, उसके बाद अभी भी कट रहा है, कोई बात नहीं। यू कैन ओनली विड्रॉ वन टाइम इन अ डे। अभी ना मेरी जो विड्रॉ डेली की लिमिट हो चुकी है 12,000 हो चुकी है, क्योंकि मेरा जो VIP मेंबरशिप क्लब था वो बढ़ चुका है क्योंकि मैंने बहुत सारे गेम्स खेली है। तो जो मैं कह रहा था ना यार इसमें विड्रॉ की लिमिट कम है, वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे आप गेम्स खेलते हो। विड्रॉल पेंडिंग दिखा रहा है, मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है, लास्ट की ऐप में हुआ था ना विड्रॉ पेंडिंग और फेल हो रहा था, कहीं इसके साथ भी ना हुआ है ऐसा। सक्सेसफुल दिखा रहा है, एक बार मैं फटाफट से ना चेक कर लेता हूँ कि आया या नहीं आया। ऑल राइट गाइस, तो हम लोगों ने 369 रुपी करे थे, यानी कि 369 और हमको मिले 350.55।